एक साल कबल मैंने पार्टी की आला क्यादत और सफ़े अव्वल की क्यादत के सामने फाशा गाफ अल्फाज में कहा था कि प्यार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौमी इदारों के साथ महाजराई की यह नया सियासी लाहेमल पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होगा। इसीलिए मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत से दूरी इख्तियार कर ली और अहम ओहदे यानी कोर कमेटी की मेंबरशिप और जनूबी पंजाब की सदारत के फराइज से भी दूरी इख्तियार कर ली थी। मगर अब 9 मई के इस दिलसोज वाकयात ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी फलसफे से दूर हो जाऊं और मैं इस सियासी फलसफे के साथ अब नहीं चल सकता। इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मेरा 25 साल का सियासी तजुर्बा जो कि मकामी सूबाई और कौमी मनसूबों के फराइज अदा करने पर मुहित है और इसी बिना पर मुझे पूरा यकीन है कि अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल तकसीम बंटवारे और महाजराई की सियासत में हरगिज नहीं है। एक साल कबल मैंने पार्टी की आला क्यादत और सफ़े अव्वल की क्यादत के सामने फाशा गाफ अल्फाज में कहा था कि प्यार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौमी इदारों के साथ महाजराई की यह नया सियासी लाहेमल पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होगा। इसीलिए मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत से दूरी इख्तियार कर ली और अहम ओहदे यानी कोर कमेटी की मेंबरशिप और जनूबी पंजाब की सदारत के फराइज से भी दूरी इख्तियार कर ली थी। मगर अब 9 मई के इस दिलसोज वाकयात ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी फलसफे से दूर हो जाऊं और मैं इस सियासी फलसफे के साथ अब नहीं चल सकता। इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मेरा 25 साल का सियासी तजुर्बा जो कि मकामी सूबाई और कौमी मनसूबों के फराइज अदा करने पर मुहित है और इसी बिना पर मुझे पूरा यकीन है कि अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल तकसीम बंटवारे और महाजराई की सियासत में हरगिज नहीं है।